बातें, ऐसी सासू माँ सबको मिले, है ना गोलू? ऐसी सासू माँ सबको मिले, सबको मिले, है ना? टेप लेके आऊँ? ठीक है। अच्छे होंगे। तो हो चुकी है संडे की मॉर्निंग और बज रही हैं सुबह के 10। तो आज है बहुत ज़्यादा काम, घर में आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि नेक्स्ट संडे है दिवाली और सिर्फ आज का ही संडे है। तो आज हमें करनी है घर की पूरी डीप क्लीनिंग। तो अभी रिसेंटली जो है हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क भी करवाया है घर का। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी बैक साइड सारा जो था प्लास्टर वगैरह सीलन की वजह से ख़राब हो चुका था, तो उसको हमने जो है रिपेयर करवाया है। इस साइड भी तो घर जो है ना बहुत मैसी हुआ पड़ा है, थोड़ा मैं आपको दिखाती भी हूँ डीप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सारा एरिया हमने मतलब जो है प्लास्टर करवाया है, क्योंकि जो सीलन की वजह से है ये सारी दीवारें ख़राब हो चुकी थी, हर जगह थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। और बाहर भी जो है काफ़ी रिपेयर करवाया है, और मतलब जो पूरा घर है ना एकदम मैसी हो चुका है। और मतलब सोच सोच के एक होता है ना टेंशन सी होती है कि मतलब कैसे होगा सब कुछ, बट हस्बैंड को लगाती हूँ साथ में मक्खन मलाई उनको लगा के कि मेरे साथ जो है वो दिवाली की सफाई करवा दीजिए। तो अभी जो है ये पूजा कर रहे हैं, तो जैसे पूजा कर लेंगे उसके बाद बोलूँगी मेरे साथ थोड़ी सफाई करवा दो। तो किचन में, किचन को अभी हमने नहीं छेड़ा है क्योंकि अगर किचन को छेड़ दिया फिर तो हो गया काम। तो किचन की जो है मैं क्लीनिंग बीच में करूँगी, वीक के किसी बीच में। और ये देखिए सामने मम्मी का रूम है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है मैसेज हो चुका है क्योंकि यहाँ भी हमने जो है पूरा काम वगैरह करवाया हुआ है। यहाँ बैक साइड भी जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, तो मतलब कुल मिला के है पूरे घर, तो जो पूरा घर है मैसी हो चुका है। तो अभी करेंगे हम लोग जो है सफाई वगैरह, और देखते हैं पेंट वाले को भी बुलाया है। और अभी जो मेरा प्लान है वो वॉलपेपर लगवाने का भी है, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि जो वॉलपेपर का ट्रेंड है वो चला गया है, तो फ्लेक्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं। तो देखती हूँ मैं क्या करवाती हूँ। तो अभी मैंने भैया को फ़ोन किया है, तो आते हैं तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। और आज अहोई अष्टमी भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मम्मी जी का मतलब सासू माँ का फास्ट भी है, तो बहुत काम है घर में। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो है दिवाली की तैयारियां, दिवाली की सफाई कैसी चल रही है। और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने और पतिदेव ने मिल के जो है बाहर का पोर्शन अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी जो स्टेयर्स थी उसको अच्छे से मतलब वहाँ पे काफ़ी स्टेयर्स के नीचे काफ़ी सामान था, तो उसको जो हमें यूज़फुल था उसको हमने रख लिया है और बाकी हमने फेंक दिया, तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला रूम अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ, और मुझे जो है वो ऊपर की भी सफाई करनी है। तो देखते हैं वो कब होती है, पहले मैंने सोचा नीचे का मैं निपटा लूँ क्योंकि हमें दोनों को मिलके करना है, तो फटाफट जो है मैं इसको निपटाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये जो रैक है ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है, मतलब यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है बट काफ़ी अननेसेसरी भी रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उसको जो है मैं फेंक दूँ क्योंकि यूज़ का तो है ही नहीं है ना। तो चलिए करते हैं इस रूम की सफाई स्टार्ट। Thank you.
स्टार्ट। तो अभी जो है रूम की सफाई छोड़ के हमने जो है मंदिर को साफ़ किया, क्योंकि हम लोग जो है दिवाली पे मंदिर को साफ़ करते हैं, उसको अच्छे से धोते हैं। और फिर क्योंकि आज मम्मी का व्रत भी था, तो सबसे पहले हमने सोचा सफाई तो बाद में भी हो जाएगी, सबसे पहले मंदिर को जो है वो साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि मम्मी को शाम को पूजा भी करनी थी। और यहाँ पे शुरू हो गई है पूजा। मम्मी ने सबसे पहले जो है को धो दिया, आरती की, उसके बाद हुई अष्टमी की जो है कथा पढ़ी। और फिर जो ये पूजा होती है इसमें जो है तारे को देख के जो है व्रत खोलते हैं, तो तारे तो जो है वो निकल ही चुके थे। तो यहाँ पर मम्मी ने फटाफट जो है वो पूजा की। तो यहाँ पे जो है तारे को देख के मम्मी जो है आरती कर रही हैं, और फिर उसके बाद जो है पति देव की आरती उतारेंगी, क्योंकि ये जो अष्टमी का व्रत होता है ये अपने बच्चे के लिए ही रखा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी उतार रही हैं पति देव की आरती, और पति देव बहुत खुश लग रहे हैं। और फिर उसके बाद मम्मी खिलाएंगी इनको मिठाई, और उसके बाद जो है हस्बैंड मिठाई खिला के मम्मी का जो है वो फास्ट तोड़ेंगे पानी पिला के। हाँ जी आ जाओ, हेल्प करा दो। अच्छा शेकी मारो, शेकी लगा दो जल्दी से, कवर ओवर सामान करें सेट, काफी टाइम हो गया है, भूख लग रही है मेरे को बहुत जोर से। खाना भी खिला देंगे, पहले इसको समेट ले, फिर कल ऑफिस जाना है, फालतू में दिक्कत होगी। भाई साहब देखो कितना खलारा पड़ा हुआ है, कितना कितना, मतलब अभी ये एक रूम है, अभी ऊपर का रूम, मम्मी का रूम सब अभी बाकी है, किचन भी बाकी है। पीछे से मम्मी कह रही हैं किचन में मैं कर लूंगी धीरे धीरे। अच्छा मम्मी अब किचन साफ कर दोगी, किचन साफ कर दोगी? अच्छा ये इतना, बस इतना कर देंगी मम्मी, अच्छा वो सारा मैं कर दूंगी। है ये ना हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, हमें टाइम नहीं मिलता है, बस ये दिक्कत है। क्या बना रही हो? पनीर। वाह वाह वाह, तो मम्मी को पता है आज उनके बच्चों ने की है सफाई, तो वो आज हमारे लिए बनाएंगी पनीर। क्या बात है, ऐसी सासू माँ सबको मिले, है ना गोलू? ऐसी सासू माँ सबको मिले, सबको मिले। है ना, टेप लेके आऊँ? ठीक है, तो चलिए मैं मिलके जो है सारा काम कर लेती हूँ, जल्दी फ्री हो जाओ भाई, रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, है ना? तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली ये रैक तो कर दिया हमने सेट, देख सकते हैं आप लोग पहले कितना ही मैसी था, अभी इसको मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे थी अलमीरा, इसको कर दिया हमने यहाँ पे, अब ये पेंट वेंट वाला जब आएगा तब होगा सही। और ये वाला अभी थोड़ा सा रह गया है, इसको अब हम करेंगे कल सेट, क्योंकि बज गए हैं रात के 10:30। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, रात के 10:30 बजे मैं जा रही हूँ नहाने, पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया, अभी भी बहुत काम पेंडिंग है, तो बीच में देखते हैं छुट्टी वुट्टी लेके उसको करेंगे कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।